सर्वप्रिया सीता रसोई ने दिल्ली रोड पर आयोजित की। सीता रसोई अध्यक्ष देवान सिंह ने बताया कि आज की सीता रसोई सभी सीता रसोई परिवार के सदस्यों के सहयोग से आयोजित की गई। संरक्षक हृदयेश कुमार सिंह ने बताया कि सीता रसोई से जुड़ी संस्थापक सदस्य गीता शर्मा एवं नीरज गुप्ता उर्फ कविता गुप्ता एवं मानसनोवर के पार्षद सुधीर कुमार सेठ जी को भारी मतों से विजयी होने पर सीता रसोई द्वारा अंगवस्त्र श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। सीता रसोई की महिला अध्यक्षा सुप्रेम सिंह ने महिला पार्षदों के सम्मान किया। गीतांजलि दग, जूही माथुर, मीडिया प्रभारी अनिल सक्सेना, अक्षय शर्मा, पुनीत अग्रवाल, सुनीत कुमार शर्मा, विवेक पांडे, राजेश शर्मा, सुधांजु कौशिक, रूपचंद मित्तल, गिरिजा शंकर पांडे, सुनील कपूर, डॉक्टर अक्षय कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया एवं सीता रसोई पर कड़ी चावल, राजमा चावल, लड्डू एवं फल का वितरण किया गया। इस अवसर पर सीता रसोई पर प्रसाद लेने वाले भक्तों का तांता लगा रहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा नेता कैसा हो? राम जी जैसा हो। ये भक्ताना जैसा हो। अरे वीडियो वीडियो नहीं, वीडियो सामने सामने पक्की देवान सिंह अध्यक्ष सीता रसोई सर्वप्रयाग ट्रस्ट से, और मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारे बीच में जो महान विभूतियाँ उपस्थित हैं ये सभी लोग, मैं आदरणीय गीता भाभी जी के लिए बताना चाहूँगा कि सीता रसोई की स्थापना आपके कर कमलों द्वारा हुई है 2019 में, और भाई सुधांशु कौशिक जी और हमारी पूरी सीता रसोई की टीम जो कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी से सभासद के में विजयी होकर के आए हैं, और हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय सुधीर सेठ जी हमारे मानसरोवर वार्ड से विजयी होकर के आए हैं। तो आज पूरी सीता रसोई टीम की तरफ से आप दोनों सभासदों का अभिनंदन किया जाएगा। मैं चाहूँगा अपनी महिला टीम से सुप्रीत जी से कि भाभी जी को एक अंगवस्त्र पहना करके सम्मान किया जाए, और भाई उदय जी से जो हमारे सदस्य हैं सीता रसोई के, उधर भी माला रखी है। इनके मैम, आप पार्षद बनने के बाद सर्वप्रयाग सीता रसोई ट्रस्ट में उपस्थित हुई हैं और यहाँ रसोई लग रही है, क्या कुछ आप कहना चाहोगी जीत के बाद? जीत के बाद सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी जनता का धन्यवाद करूँगी जिन्होंने बहुमत से मुझे विजयी बनाया, और सीता रसोई में आज शामिल हुई हूँ। ये मैं न्यू से ही जुड़ी हुई हूँ क्योंकि सीता रसोई हमारे ही कर्मकर्ताओं द्वारा ही शुरुआत हुई है। क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे महानगर वासियों को और अपने क्षेत्र वासियों को? जैसे जनता ने मुझे बहुमत देके विजयी बनाया है उसी तरह मैं यही चाहूंगी कि उनके मानकों पे खड़ी हूँ और उनकी समस्याओं का निदान कर सकूँ। अच्छा, पार्टी की जनता का लगभग कितना प्यार मिला था आपको? किस प्रकार की कोई घटनाएं वगैरह आई थी या नहीं आई? नहीं, भरपूर सहयोग मिला, किसी तरह की कोई घटना नहीं, अप्रिय घटना नहीं। कौन सा वार्ड है आपका?